अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हो? कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी ईद कैसे गुजर रही है, क्या आप कर रहे हैं आप और क्या हो रहा है। तो ये है कि आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बाबरपुर के बहुत ही ज़बरदस्त कैफेटेरिया, लेस ग्रिल कैफेटेरिया का, जो बहुत ही ग्रिल्ड सैंडविचेस और ग्रिल बर्गर्स के वजह से काफ़ी मशहूर है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रात को तकरीबन 12 एक बजे हम पहुंच गए भावलपुर, जो हमें जो बेस्ट डिसीजन हमें लगा कि जहां पे हम जाएं वो हमें लगा लेस ग्रिल कैफ़े। लेस ग्रिल कैफ़े में हम एंटर हुए तो वहां का एम्बियंस बहुत ही अमेजिंग है, बहुत कमाल लाइटिंग है और बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है वो आपको कैफेटेरिया का माहौल मिलेगा, फैमिलीज़ के लिए भी और स्टैगर्स के लिए भी। तो इनका आपको किचन दिखा देते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा किचन था और बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग खुशबू आ रही थी बारबेक्यू की। तो हमने इनका मेन्यू देखा और हमें समझ आया कि इनका जो है वो ग्रिल्ड बर्गर जो है वो ट्राई किया जाए, क्योंकि जो भी है जो आपका ग्रिल्ड बर्गर का टेस्ट जो बनाना जानते हैं वो बहुत ही अमेजिंग जानते हैं। आपकी सबसे जो कैफेटेरिया का पता चलता है वो ग्रिल्ड बर्गर का पता चलता है, ग्रिल्ड बर्गर से पता चलता है। तो हमने इनके किचन में इनके जो है वो टेस्ट किया तो काफ़ी अमेजिंग खुशबू, बहुत ज़बरदस्त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, देखेंगे जैसा कि आपको ये रूफ टॉप पे सबसे अमेजिंग जगह मिलेगी भावलपुर के, लेस ग्रिल कैफ़े। तो जब भी आपका भावलपुर से गुजरो तो ज़रूर इधर ट्राई कीजिएगा। अभी हम आपको इनका मेन्यू दिखा देते हैं। ये जी इनका मेन्यू, और जो है वो नॉर्मल प्राइसेस हैं, कोई इसमें हाई प्राइसेस नहीं है, लेकिन एम्बियंस के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बहुत मज़े का इन्होंने एम्बियंस दिया हुआ, ओपन एयर एम्बियंस दिया हुआ है, बहुत मज़े का अमेजिंग। इसके बाद इधर का मौसम भी बहुत अच्छा था जिस दिन हम गए हैं, तो इसलिए तो बारबेक्यू पे जो ये है, कोल पे जो है ये आपको जो पैटीज़ वगैरह जो बर्गर वगैरह बना के देते हैं ग्रिल्ड होते हैं, चारकोल का टेस्ट आ रहा होता है और बहुत ही अमेजिंग होते हैं। खैर, और टाइम भी कुछ ज़्यादा नहीं लगाते हम, तकरीबन कोई 15-20 मिनट के अंदर हमारे जो हैं वो तीनों जो है वो हमने एक बारबेक्यू फ्राइज कराई थी और इसके अलावा ग्रिल्ड बर्गर करवाए थे बीफ में, जो बहुत ही अमेजिंग खुशबू और जायके और सॉसेस के साथ सर्व किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे, पूरे पाकिस्तान की सैर करवाएंगे। काइंडली मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, शुक्रिया। पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। इनके पास काफ़ी वैरायटी होती है, टेस्ट भी बहुत अमेजिंग चारकोल टेस्ट देता है, जो आपको बहुत ही आप जो है वो इंजॉय करेंगे। ये जी हमारा लेस ग्रिल कैफे है, इसका एम्बियंस देखें कितना अमेजिंग है। ये सामने जो है वो आपको फैमिली एरिया मिलेगा, तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है, ज़रूर जब आप आएँ यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। ये जी हमारा ऑर्डर रेडी हो के आ गया है, ये आप चेक कर सकते हैं कितना सॉसी बर्गर है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। भावलपुर में जब भी आप आएँ तो आप लेस ग्रिल के बर्गर्स ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है इनका, वाकई इनको हम आपके सामने पॉइंट्स देंगे 10/10, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एम्बियंस और टेस्ट। तो आपको जो है अभी फ्राइज़ भी दिखाते हैं, इनके फ्राइज़ भी बहुत अमेजिंग है।
जो हमने अपने ऑर्डर्स के साथ ऐड करवाई थी। ये हमारी फ्राइज़ भी आ गई हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जी हमारी फ्राइज़ हैं, ये जी बारबेक्यू फ्राइज़ हैं जिसमें ऑलिव्स डाले हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। तो मुझे दोनों में याद रखिएगा, पेज को